क्वेश्चन है, ए बी और सी 5:6:4 के अनुपात में अपने पूंजी निवेश करते हैं। एक साझेदारी में प्रवेश किया, ठीक है। ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए कुल 30% का लाभ प्राप्त होता है और शेष लाभ को उनके अनुपात के बीच में बांटा जाता है। एक वर्ष के अंत में ए का लाभ बी और सी के लाभ के योग से 20,000 रुपये अधिक था। आपको बताना है कि कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या था। ए बी और सी, इन्होंने 5:6:4 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। ए जो है व्यवसाय प्रबंधक है, तो इसको क्या मिला, 30% का एक्स्ट्रा इसको लाभ दिया गया, ठीक है। ये मैनेजिंग जो बिजनेस को मैनेज करने वाला है, तो इसको 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला। तो अगर टोटल 100% प्रॉफिट है, तो इसमें से 30% अगर माइनस में कर दूंगा तो कितना बचेगा, 70%। तो जो रिमेनिंग 70% है, इसको क्या किया गया, दोबारा से ए बी और सी के बीच में बांटा गया। ए बी सी का रेशियो कितना है, ये इन्वेस्टमेंट है, एक साल के लिए कर रहे हैं तो हम गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5:6:4 में भी इन्वेस्टमेंट आएगा, तो 6 4 10 5 15। तो 15 की वैल्यू कितनी है, 70 है। 15 की वैल्यू कितनी है, 70 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3। देखो 15 का वैल्यू कितनी है, 70। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/3। तो जो ए का प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 14/5 70/3 हो जाएगा। बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 84/3%। और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 56/3%। ठीक है, इतना तक बातें समझ में आ रही होगी, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे बोला गया है कि ए को 30% तो पहले लाभ प्राप्त हुआ है, इसके बाद कितना, 70% अभी प्राप्त हुआ। तो टोटल ए को कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा कितना आपका, 90 और 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 160/3%। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये वर्ष के अंत में ए का जो लाभ प्राप्त होता है, बी और सी के लाभ के योग से कितना है, 20,000 रुपये अधिक है। तो यहाँ से देखो, बी और सी का लाभ कितना है, 6 4 10 8 5 13 14, 140/3%। 160/3 और 140/3 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/3%। और 20/3% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 20,000। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000 आ जाएगी। हमसे पूछा गया कि बी का कुल हिस्सा कितना है, तो बी का कुल लाभ कितना है, 84/3%। इसका हम क्या करेंगे, 84/3 निकाल देंगे। 3 से 3 क्या हो जाएगा, 1,000 में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका, 84,000। तो जो बी का हिस्सा आएगा कुल लाभ का कितना आ जाएगा, 84,000। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।